नमस्कार, मैं हूं प्रिया। पटना की खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजधानी पटना की फटाफट 11 खबरों को। बिहार की राजधानी पटना की आय रही सबसे अधिक, तो वहीं यह जिला निकला फिसड्डी। बीते दिन ही जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में साल 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 38 जिलों में राजधानी पटना प्रति व्यक्ति आय के मामले में 1.31 लाख रुपए के साथ पहले स्थान पर है। वहीं 51.4 हजार रुपए के साथ बेगूसराय दूसरे और 44.3 हजार रुपए के साथ मुंगेर जिला तीसरे स्थान पर है। भागलपुर जिला चौथे, रोहतास पांचवे, मुजफ्फरपुर छठे, औरंगाबाद सातवें, गया आठवें, भोजपुर नौवें और वैशाली दसवें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे फिसड्डी 5 जिलों की बात करें तो शिवहर के बाद अररिया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मधुबनी शामिल है। पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार दबंग दिल्ली बनी विजेता। प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का समापन हो गया है, जिसमें ही 3 बार की चैंपियन रही पटना पायरेट्स को हराकर दबंग दिल्ली ने पहली बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। बैंगलोर के शोरेटॉन ग्राउंड व्हाइट फील्ड में खेले गए इस मैच में इस सीजन की 2 मजबूत टीम एक दूसरे के आमने सामने थी। हालांकि बीते दिन खेला गया मैच एक तरफा नहीं था, बल्कि मैच के दौरान पटना पायरेट्स तो कभी दबंग दिल्ली एक दूसरे से आगे नजर आई थी। एक पर एक शानदार रेड ने गेम का रुख बदल कर रखा था। राजधानी पटना में घट रहे हैं कोरोना के मामले। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। वहीं हॉटस्पॉट बने पटना का हाल अब सुधरता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हाल ही में साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 49 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 348 पर पहुंच गई है। वहीं पटना की बात करें तो पटना में केवल 8 मामलों की ही पुष्टि हुई है। मठ मंदिरों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने पर पटना में साधु संतों ने किया विरोध। सरकार की कथित नीति के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पटना में जुटे साधु संतों ने बनाई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार वो सभी सरकार द्वारा मठ मंदिरों की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किए जाने की प्रक्रिया के विरोध में हैं। इसको लेकर ही विभिन्न जिलों से आए साधु संतों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सरकार के फैसले के विरुद्ध खड़े हुए साधु संतों ने कहा कि मठ और मंदिर हिंदू समाज के हैं, इन पर किसी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना के लोगों का अब दीघा से LCT घाट जाना होगा आसान। आने वाले दिनों में पटना वासियों का दीघा से LCT घाट का सफर बेहद ही आसान होने वाला है, क्योंकि जल्द ही पटना वासियों को एक और बेहतरीन रोड का विकल्प मिलने वाला है। पटना के LCT घाट से सारण के पहलेजा तक मोटर गाड़ी से लोग फर्राटा भरेंगे, क्योंकि JP गंगा पथ 4 लेन से LCT घाट अशोक राजपथ के बीच संपर्क सड़क का निर्माण जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर बिहार से पटना के कुर्जी, पाटलिपुत्र, मैनपुरा, बोरिंग केनाल रोड के बीच सुगम यातायात की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने काटा बवाल। बीते दिन पटना के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने खूब बवाल काटा, क्योंकि हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से क्वालिफाइड सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली के लिए ही नियोजन पत्र सौंपा गया। इन सबके बीच एक मुसीबत ये आ गई कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है, उन्हें मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र अपने विद्यालय में देना है, जो कि अनिवार्य है। हालांकि शिक्षकों ने कोशिश की है कि उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र मिल जाए, लेकिन देर शाम तक ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद ही नाराज अभ्यर्थियों ने सिविल सर्जन का घेराव कर दिया और जमकर हंगामा किया। बिहटा के अंचल अधिकारी निकला धन कुबेर। बिहटा में इन दिनों एक के बाद एक धन कुबेरों की जानकारी निकल कर के सामने आ रही है, जो सरकार के नाक के नीचे करोड़पति बनने का काम कर रहे हैं। इसी बीच इन दिनों EOU ऐसे लोगों की तलाश में है जो बालू के अवैध खनन से खूब अमीर हो रहे हैं, जिसके तहत ही बीते दिन पटना जिले के बिहटा में बतौर CO तैनात रहे विजय सिंह पर EOU ने शिकंजा कसा है। कुछ समय पहले ही टीम को पता चला कि इस अफसर ने बालू धंधेबाजों से सांठ काट कर काफी अवैध कमाई की है। प्राथमिक जांच में यह जानकारी सत्य पाई गई। इसके बाद बिहटा के तत्कालीन CO के खिलाफ आय से अधिक मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की गई। पटना के गांधी घाट पर आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIT के पीछे स्थित गांधी घाट सबसे प्रमुख और पर्यटकों के लिए अनुकूल है। घाट तक पहुंचने के लिए गांधी मैदान से पटना सिटी की तरफ साझा ऑटो लेकर साइंस कॉलेज के बाद उतर जाते हैं।
घाट पर छायादार बेंच, फूड स्टॉल और रिवर साइड रेस्टोरेंट भागीरथी विहार के साथ चौक है। इसमें नौका विहार की सुविधाएं भी हैं, जिसमें सरकारी MV गंगा विहार क्रूज जहाज भी शामिल है। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार हर शनिवार और रविवार को गांधी घाट पर एक आरती का आयोजन भी करती है। पटना हाईकोर्ट में लालू यादव की नहीं हुई पेशी। चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में फंसे लालू यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में उन्हें डोरांडा कोषागार मामले में सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद ही अब उन्हें बीते दिन चारा घोटाले के बांका कोषागार से अवैध निकासी मामले में चार आरोपियों के साथ पटना हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो जानकारी निकल कर के सामने आई है उसके अनुसार लालू यादव पिछले कुछ दिनों से अपने दांत में हो रहे दर्द से परेशान है, जिसके बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी, जिसमें सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश होंगे। शार्क टैंक के एक शार्क हुए खान सर के मुरीद, कहा तुसी कमाल हो। सोनी टीवी पर प्रसारित द शार्क टैंक में शादी.com के अध्यक्ष अनुपम मित्तल एक बिहारी के मुरीद हो गए हैं। अनुपम मित्तल किसी और के नहीं बल्कि खान सर के पढ़ाने के तरीके के फैन हुए हैं। इसको लेकर बीते दिन उन्होंने खुद एक ट्वीट जारी किया है, जहां पर खान सर का एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि क्या शानदार वीडियो है, यकीन नहीं होता कि राष्ट्रगान को इस तरीके से डिजाइन किया गया था। यह स्पष्टीकरण को फिर से तैयार किया गया था, लेकिन किसी भी तरह से भारत इतिहास और भूगोल के बारे में सीखने और सिखाने का शानदार तरीका है, तो सी ग्रेट हो। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव आज 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,900 रुपए है, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,200 रुपए है। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,000 रुपए है। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर है। वहीं अगर आज हम तापमान की बात करें तो अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस वहीं न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजधानी पटना में पर्यटन के लिहाज से सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। राजधानी की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। धन्यवाद।